YouTube channel Learning with Niketan. In this video, I will teach you the same genetics. क्रोमोजोम हम पढ़ रहे थे, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ओके, ये पार्ट थ्री है आपका. और अगर आपने क्रोमोजोम नहीं देखा तो इससे लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए. क्रोमोजोम स्ट्रक्चर है आपके, देखिए ये क्रोमोजोम होता है. जब इसको जूम करके आप देखेंगे तो ये आपको क्रोमोजोम दिखाई देगा. ये क्या है, आपके पेलिकल है, इसकी बाहर वाली लेयर है ना. एंड टेलोमियर जो होती है आपकी इंटरनल लेयर है. ये क्रोमोनोमिनेटा है, क्रोमोनोमिनेटा ये दिखाई दे रहे हैं आपको क्रोमोनोमिनेटा. ये आपको राउंडेड सर्कल जो दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज़ आपके सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मतलब जो फोल्ड हो रहा है इसके. एंड क्रोमोमियर है ये जो आपके इन दोनों जो राउंड राउट के बीच का पार्ट है, जिसे जीन बियरिंग पार्ट भी कहते हैं. जीन बियर होते हैं. और ये जो है आपके टर्न से पहले जो पार्ट है आपके, जो मैंने शो किया है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं. तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है सेंट्रोमियर जो कह रहे हैं इसे दो, ये जो बॉल बनी हुई है रेड, दिस इज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पार्ट. इधर भी शो कराया है, ये जूम करके दिखा दिया है आपको. एंड न्यूक्लियोलस है ये आपके, ठीक है, जो इसमें फील्ड है. एंड दिस इज़ अ न्यूक्लियोलर एंड दिस इज़ अ सैटेलाइट. एंड दिस इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज सेकेंडरी क्राइटेशन फर्स्ट. ओके, अर्लियर कॉन्सेप्ट जो था हमारी वो क्या था, क्रोमोजोम वॉज सपोज बी कवर्ड बाय पेलिकल एंड द मटेरियल फील्ड इज कॉल्ड मैट्रिक्स. क्रोमोजोम था वो हमारा क्या था, अर्लियर कॉन्सेप्ट की वो था आपके पेलिकल से कवर्ड था और जो मटेरियल उसमें भरा हुआ था वो क्या था, मैट्रिक्स था. देखिए ये भी है, मैंने बताया है ना, भरा हुआ मैट्रिक्स पूरा ही अंदर का, ये मैट्रिक्स है. एंड मिनट थ्रेड कॉइल ओवर ईच अदर आर कॉल्ड क्रोमेटिन्यूमिनेटा, ठीक है. और ये क्या है आपके, जो थ्रेड है, कॉइल थ्रेड जो है, ये लाइक जो करते हैं आपके क्रॉड थ्रेड जो है, ये क्या है आपके कॉइल कवर जो है, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं आपके क्रोमेटिन्यूमिनेटा, ठीक है, क्रोमेटिन्यूमिनेटा. ओके, अब क्रोमेटिन्यूमिनेटा क्या है आपके, देख लीजिए क्या होता है. ये होता है आपके ट्विस्टेड थ्रेड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग कम्प्लीटली क्रोमोसोम्स. दे मे बी 2 to 32 इन द नंबर. ये क्या है आपके, ट्विस्टेड थ्रेड लाइक होते हैं और ये क्या होते हैं, उसके चारों ओर फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स. और इनका नंबर जो होता है 2 to 32 तक होता है. और ये क्या होते हैं आपके, मेटाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं. दे फ्रॉम 2 chromatids ऑफ द मेटाफेज स्टेज क्रोमेटाइड्स एंड आइडेंटिकली पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच डिवाइड इंटू 2 half chromatids इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नो फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द स्मॉल यूनिट्स विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रली एंड फंक्शनल कैपेबिलिटी. इट मीन टू से इज दैट जो ये इनका क्या होता है, इनका क्रोमेटिड जो है आपके ये मेटाफेज स्टेज में मिलेंगे. और एक क्रोमेटिड जो होते हैं आइडेंटिकली पार्ट्स होते हैं उसके. और जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड रहते हैं किसमें, 2 half chromatids में. और जो इसके क्या रहते हैं आपके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम्स की. और इनका फिर क्या होता है, सब डिवाइडेड होता है स्मॉल यूनिट्स में. और बिना किसी अफेक्ट के इनका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी जो है आपके फंक्शनल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, नाउ हम देखते हैं आपके सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर क्या है आपके, रीजन होता है. ये रीजन है जहाँ पर क्या होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं. दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हमें क्रोमोसोम्स की दिखाई देती हैं और जॉइंट होती हैं, हेल्प टू गेट टू नोज एज सेंट्रोपियर. और आपस में आके मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उसे हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर कह रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज काइनेटोकोर. और इसे हम काइनेटोकोर भी कहते हैं और आपके प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं. द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर इज फिक्स्ड फॉर क्रोमोसोम्स. जो पोजीशन है आपके सेंट्रोमियर की वो फिक्स रहती है क्रोमोसोम्स पर. एंड दीज एग्जिस्ट द नोमेनक्लेचर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पर देयर पोजीशन. एंड क्या है आपके, ये एग्जिस्ट जो होते हैं नोमेनक्लेचर, ये क्रोमोसोम्स पर क्या है, इनकी पोजीशन पर डिपेंड रहता है. ओके, अब ये 4 types होते हैं, मीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. तो जो मीलोसेंट्रिक से ही समझ में आ रहा है, सेंटर में होते हैं, वी शेप्ड होते हैं. एनाफेज में देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया है ना, वी शेप्ड हो गए है ना. सब मेटासेंट्रिक हैं आपके, सब मेटासेंट्रिक क्या है, ये सेंटर में होंगे या टिप पर होंगे, जे शेप्ड होंगे ये. ओके, एंड नेक्स्ट एक्रोसेंट्रिक जो है आपके, एक्रोसेंट्रिक का क्या रहता है, एल शेप्ड होते हैं, ये टिप के पास होते हैं. और टीलोसेंट्रिक जो होते हैं टिप पर होते हैं, आई शेप्ड होते हैं. नेक्स्ट देखिए डायग्राम बनाया मैंने, ये आपके क्या है, स्किंटोकोर है, ग्रैंड्यूल सेंट्रो सेंट्रोनियर मॉडल्स हैं, सेंट्रोमियर मॉडल्स हैं जो आपके लिमेडिफेसिया ने दिए थे. ये क्या है आपके, विथ स्काइनोमेटल ग्रैंड्यूल्स हैं इसमें. इसमें क्या है आपके, काइनेटोकोर ग्रैंड्यूल्स हैं. और ये आपके बिना काइनेटोकोर ग्रैंड्यूल्स का है. ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.